मंदसौर जिले के कियामपुर गांव के अंतर्गत हालूखेड़ी हल्के के किसानों द्वारा मंदसौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर फसल बीमा खाते में जमा नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मांग की गई कि जल्द से जल्द बीमा राशि हमारे खाते में जमा की जावे। ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने बताया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों के लिए रबी और खरीफ की फसलों का बीमा राशि कहीं किसानों के खाते में जमा हो चुकी है, लेकिन कुछ लापरवाह कर्मचारियों की गलतियों के कारण क्षेत्र के किसानों को बीमा राशि नहीं पहुंची है, जिससे किसान काफी परेशान है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी बीमा राशि उनके खाते में डाली जावे। ज्ञापन देने हालूखेड़ी हल्के के अंतर्गत रोजा, फतेहगढ़, झलारा आदि गाँव के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिनके द्वारा बीमा राशि जल्द से जल्द खाते में डालने की मांग की गई। ज्ञापन के दौरान किसान दीपक मंडलोई, राजेंद्र सिंह मंडलोई, राघवेंद्र सिंह मंडलोई, शाहदनूर कुरेशी, नाशिद कुरेशी, फजल कुरेशी, शैलेंद्र सिंह, विजयन सिंह आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। तो उस बात को उसने ये कहा कि आप सी एम एल प्लान में जिन किसानों की शिकायत है उनकी लिस्ट दे दो। तो साहब ने एक ही बात करी, तेरे को उससे क्या मतलब, तू तो लिस्ट दे हमें पूरे जिले की जी, उसका करवा रहे हैं। मैं डी डी ओ को भी भेज रहा हूँ ये सर भी हमारे उससे था। 2019 का काम 19 में भी हमें वो मिला नहीं सर, मुआवजा नहीं मिला सर। क्योंकि उन्होंने 25% के मान से ही राशि भेजी थी, वो बिक्री तो किसी को अलग बात है, बाकी पूरे 25% ही मिली है। मेरा 118 करोड़ रुपए की हमने मांग कर रखी शासन, आप चाहोगे तो मैं आपको लेटर भी दे दूंगा। 218 करोड़ की मांग है, ठीक है सर।